तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। मैं मोहम्मद कैफ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे बिहार बीपीएससी या फिर बिहार एसआई में आने वाले बिहार के संक्षिप्त परिचय से वे सारे प्रश्न एक एक करके हम डील करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए सटीकता प्रदान करेगी और आपके लिए बहुत ही मददगार प्रदान करेगी। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक। इस वीडियो का लाइक जो है टोटल मैं मात्र 100 रख रहा हूँ, चूँकि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल नए हूं, इसलिए हम मात्र 100 लाइक ही रखने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगले वीडियो की डिमांड हम पूरी कर सकते हैं यदि 100 लाइक अगर आपने यहां पर हमें दे दिया। और वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो शुरुआत करेंगे बिहार का संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले दोस्तों, इसको वर्ड के हिसाब से देखें कि बिहार जो होता है BIHAR जो है, ये पांच वर्डों से मिलकर के जो बना होता है। इसमें कहा यह जाता है कि संपूर्ण बिहार वर्ड में भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और रेवाखंड, ये भारत के जो पांच नाम है, इन पांचों को जो संयुक्त किया जाता है वह तब जाकर के बिहार शब्द का निर्माण होता है। दोस्तों, ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन स्मार्टनेस के लिए या फिर अच्छा लगने के लिए ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बिहार की मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये बिहार की मानचित्र जब देखने चल रहे होंगे आप, तो ये कुल मिलाकर के आपको आयत की तरह दिखाई दे रहा होगा। ये सटीक आयत तो नहीं है, लेकिन लगभग लगभग आयत माना जा सकता है। इस प्रकार से ये बिंदुएं कंप्लीट हुई कि बिहार की जो मैप है, बिहार की जो मानचित्र है, वह कैसे देखने में लगती है। तो सीधा सा आंसर है कि बिहार जो है वह देखने में आयताकार नजर आता है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये उत्तरी छोर है बिहार की, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। इस प्रकार से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो बिहार के उत्तर में नेपाल दिखाई दे रहा है, दक्षिण में झारखंड दिखाई दे रहा है, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये तीन राज्य हैं और नेपाल एक देश है। इस प्रकार से कन्फर्म है कि बिहार जो है तीन ओर से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, जबकि एक छोर से अर्थात उत्तरी छोर पर जो है भारत नेपाल के साथ अपनी सीमा, बिहार जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस प्रकार से कंप्लीट हो गया कि बिहार तीन राज्य और एक देश से मतलब अपने सीमा का साझा करता है। बिंदु अगला समझाएंगे, ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक की ये बिहार की लंबाई कहलाएगी। दोस्तों, इसकी टोटल लंबाई जो है 3-4-5 किलोमीटर याद रखेंगे, अर्थात बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर है। ये बात कंफर्म हो गई। अब बिहार के पूरब से पश्चिम की तरफ चलेंगे, पूरब से पश्चिम तक चलेंगे तो ये 483 किलोमीटर होता है, अर्थात कंफर्म है कि बिहार जो है उसकी चौड़ाई है वह 483 किलोमीटर है और लंबाई 345 किलोमीटर है। ये संपूर्ण बिहार की जो ये क्रिक वाले क्षेत्र को भी जोड़ लिया जाए और टोटल मान अगर लेकर के चलें तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो होती है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर होती है। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो होता है वह बिहार की क्षेत्रफल है। बिहार हमारा ऐसे दिखाई देता है। आइए बिहार से संबंधित प्रमुख बिंदुएं जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने एक एक करके डिटेल्स किया है और हर बिंदु को आपको समझाने की हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो में कुछ अगर छूट भी गए होंगे तो अगली वीडियो आपको क्लियर कर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले ऐतिहासिक स्थिति बिहार की समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 पर भौगोलिक स्थिति समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 3 पर प्रमुख पहचान और चिन्ह बिहार की समझने की कोशिश करेंगे। अगले नंबर राज्य व्यवस्था बिहार की समझने की कोशिश करेंगे। अगले बार में हम लोग सांख्यिकी आंकड़े, जहां से बीपीएससी में, बिहार एसआई में या बिहार की कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम्स होती है जिसमें बिहार रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी आंकड़ों को मैंने उपस्थित कराया है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आंकड़े बच जाएंगे तो अगले वीडियो में हम पेश करेंगे, आपको देने की प्रदान करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ऐतिहासिक स्थिति। दोस्तों, सबसे पहले प्रदेश का नाम, आप सभी जानते हैं कि बिहार प्रदेश यानी कि बिहार एक राज्य है और बिहार का एक बहुत बेहतर राज्य जिसकी इतिहास अगर खत्म कर दिया जाए, अगर पूरे भारत की इतिहास कहीं से शुरू होती है तो वो है बिहार की इतिहास, यानी कि बिहार की इतिहास ही भारत की इतिहास को स्थापित करने में अपनी प्रमुख और अहम भूमिका निभाती है। सबसे पहले आगे देखेंगे वैदिक नाम। दोस्तों, याद रखिएगा,
बिहार का जो वैदिक नाम है यानी कि वैदिक काल में अर्थात कुल मिलाकर कहा जाए कि वेदों में बिहार को किस प्रकार से वर्णित किया गया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले वैदिक नाम, तो बिहार का वेद में नाम खास करके ऋग्वेद में अगर कहा जाए तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, कीकट शब्द। और दूसरा इसका प्राच्य शब्द भी प्रयोग किया गया है और इसी का अर्थ जो होता है पूर्व प्रदेश होता है। तो वैदिक काल में या वेदों में बिहार को कीकट या प्राच्य कहा गया है जिसका अर्थ पूर्व प्रदेश होता है, यह क्लियर हो जाता है पहली बिंदु। आगे देख लेंगे मौर्य और गुप्त काल में, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मौर्य काल में जो है बिहार का नाम क्या था, तो मौर्य काल में या गुप्त काल कहें तो उस समय बिहार का जो नाम था उसका नाम था मगध, और आप सभी जानते हैं कि राजगीर या गिरिव्रत जिसको बोलते हैं वह उसकी राजधानी थी। आगे देखते चलेंगे, अब देखेंगे कि मगध जो है मगध में रहने वाले लोगों को व्रात्य कहा जाता था। याद रखेंगे मौर्य और गुप्त काल में इस बिहार को मगध कहा जाता था और मगध में रहने वाले लोगों को व्रात्य कहा जाता था। इसकी व्याख्या कहां की गई है, इसकी व्याख्या हमारे वैदिक युग में और वैदिक काल में ऋग्वेद में किया गया है। इसमें है प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ यानी कि बिहार का नामकरण कैसे हुआ। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लेकिन बड़ा ही फैक्ट पॉइंट है और अच्छी बात भी है और इसको मानना भी चाहिए। कहा जाता है कि 12वीं सदी में तुर्क जो लोग थे वह उदंतपुरी में, मतलब उदंतपुरी को विजय प्राप्त कर लिया यानी उदंतपुरी को हासिल कर लिया और उसे अपना प्रमुख केंद्र मानने लगे। और वही क्षेत्र ऐसा था, उदंतपुरी वाला क्षेत्र ऐसा था जहां पर बौद्ध विहारों की भीड़ लगा करती थी, विहार थे बौद्ध लोगों के लिए। इसी विहार को जो है आने वाले समय में वी को बी कर दिया गया, इस प्रकार से हमारे राज्य बिहार का नामकरण होता है। वैद्य बौद्ध विहारों की अधिकता होने के कारण से इस वाले क्षेत्र को बौद्ध विहार से बिहार कर दिया गया, इस प्रकार से बिहार प्रदेश का नामकरण होता है। आगे बढ़ते चलते हैं, स्थापना कब हुई, तो बिहार की स्थापना कई बार पूछा जाता है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में बिहार की स्थापना की गई है। ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना की गई। इससे पहले बिहार था कहां, इसको समझिएगा, बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ मिलाकर के इससे पहले 1 अप्रैल 1912 से पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों को एक साथ मिलाकर के बिहार नाम से ही अलग कर दिया गया। इस प्रकार से बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ लेकिन इसकी स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को मनाई जाती है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार को स्थापित किया गया लेकिन इसकी स्थापना दिवस, चूंकि इसके बारे में जानकारी 22 मार्च को दी गई थी, यही कारण है कि 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाई जाती है। ये बिंदु आपके पास क्लियर हो जाएंगे। आगे देखेंगे बिहार का विभाजन पढ़ेंगे। बिहार का विभाजन अब तक दो बार हुआ है, एक है प्रथम विभाजन और दूसरा है द्वितीय विभाजन। पहली बात समझते हैं कि प्रथम विभाजन किसे कहते हैं, तो बिहार की प्रथम विभाजन जो है वह 1 अप्रैल 1936 को हुआ। अभी तुरंत मैंने बताया 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा दोनों को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके संयुक्त राज्य के रूप में गठित किया गया बिहार के नाम से, लेकिन यही बिहार जिसमें उड़ीसा भी शामिल था इसको 1 अप्रैल 1936 को अलग अलग कर दिया, जिसे बिहार की प्रथम विभाजन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बार कि बिहार की एक बार और विभाजन की जाती है जिसको बिहार का द्वितीय विभाजन कहा जाता है। यह द्वितीय विभाजन है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। याद रखिएगा बिहार से ही कुछ क्षेत्र काट करके और एक अन्य राज्य बनाया जाता है जिसका नाम झारखंड दिया गया और यह भारत की 28वें राज्य के रूप में स्थापित हो जाती है। याद रखेंगे या बिहार से हटा करके झारखंड को स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार से 15 नवंबर 2000 को बिहार का द्वितीय विभाजन होती है। या पूछा जाएगा कि झारखंड की स्थापना कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को। राजधानी जो है बिहार की वह पटना, याद रखेंगे सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना स्थापित करने का श्रेय जो है वह सूरी वंश का एक महान सम्राट जिसने हुमायूं की भी हालत खराब करके रख दिया और मुगल साम्राज्य को घुटने टेका देने वाला ये जो शेरशाह सूरी था, उसी ने जो पटना है वह पटना को स्थापित किया या राजधानी पटना को बनाया 1541 ईस्वी में। याद रखना चाहिए कि बाबर के बाद हुमायूं जो उनका लड़का था वही वहां पर शासन कर रहा था, मतलब उसी के हैंड में भारत की शासन चल रही थी, मुगल साम्राज्य उनको हराया और उस दौरान राजधानी पटना जो है शेर शाह सूरी ने 1541 ईस्वी में रखा। जो बिहार की जो प्राचीन
प्राचीन नाम जो सॉरी पटना का प्राचीन नाम याद रखेंगे, पटना तो स्थापित किया शेरशाह सूरी ने 1547 में, लेकिन पटना का प्राचीन नाम भी था। पटना का प्राचीन नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र कहिएगा। देखिएगा दो चीजें ध्यान रखिएगा, पटना को किसने स्थापित किया तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने, पाटलिपुत्र जो पटना का प्राचीन नाम था और इसको कौन स्थापित किया जब क्वेश्चन कहा जाए तो यह होगा उदयन, जो कि हर्यक वंश का एक शासक था। हर्यक वंश आप लोग पढ़े होंगे, बिंबिसार उसके बाद अजात शत्रु आया उसके बाद उदयन आया, तो वही हर्यक वंश का रहने वाला जो ये आपका उदयन था उसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया 461 ईस्वी पूर्व में। और पटना का स्थापना किसने किया, शेरशाह सूरी ने, कब किया 1541 ईस्वी में, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये रहेंगी, फिर से देख लीजिएगा प्रदेश का नाम बिहार पड़ा, वैदिक नाम किकट और प्राच्य है, और उसके बाद पूर्व प्रदेश इसका अर्थ होता है। मौर्य और गुप्त काल में मगध को, मगध जो थी बिहार का नाम मगध था, वहां पर रहने वाले लोगों को वरात्य ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। प्रदेश का नामकरण जो है 12वीं सदी में उदंतपुरी में तुर्कों ने विजय हासिल किया, उसको अपना प्रमुख केंद्र बनाया, वहीं पर भारी संख्या में आकर के बौद्ध विहार करते थे, यानी कि बौद्ध लोग बसा करते थे, विहार के रूप में उसी को बना दिया गया बिहार, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार की हुई, स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाई जाती है, प्रथम विभाजन बिहार की जो है 1 अप्रैल 1936 को हुआ, और उसका द्वितीय विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ, झारखंड बनाया गया। राजधानी जो है पटना के रूप में किसने स्थापित किया, वो व्यक्ति का नाम था शेरशाह सूरी, सूर्यवंश का संस्थापक था, सूर्यवंश का सबसे बड़ा शासक कहेंगे, और मुगलों को घुटने पर ला देने वाला यह सूर्यवंश का यह एक प्रतापी सम्राट कहें तो कम नहीं होगा। 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, यह पाटलिपुत्र किसने दिया, उसका नाम उदयन था, उदयन कौन था, हर्यक वंश का शासक था, और वह कब स्थापित किया 461 ईस्वी पूर्व में। यह भौग ऐतिहासिक स्थिति है बिहार की, सामान्य ऐतिहासिक स्थिति मैंने रखने की प्रयास किया है। आगे बढ़ते चलते, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं है, उतने तो आप सह सकते हैं अगर सिविल की तैयारी करते हैं तो। भौगोलिक स्थिति देखेंगे, अब ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है बिहार की उसको समझेंगे, तो आपको सबसे पहले बता देंगे कि बिहार जो है वह हमारे पृथ्वी पर कहां उपस्थित है, तो बिहार हमारे पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित है, क्योंकि पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है, तो याद रखिए भारत का ही एक अंग क्या है, बिहार है, तो बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। लेकिन भारत कहां है तो याद रखिएगा भारत पर हमारा जो बिहार है वह उत्तर पूर्व में स्थित है, याद रखिएगा उत्तर पूर्व में बिहार स्थित है। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार का मतलब बताने से पहले आपको सबको बता दूंगा कि आप सभी जानते हैं कि यह एक क्या है, पृथ्वी है, ध्यान से देखिएगा, यह अगर मान लीजिए कि पृथ्वी है तो इस प्रकार की जो लाइनें खींची गई होती है उसको अक्षांश कहते हैं, ये लाइनें क्या है, देशांतर है, तो इधर से इधर जाया जाता है उसको अक्षांशीय विस्तार कहते हैं, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांशीय विस्तार। और जब हम लोग मान लीजिए कि इधर से इधर चलेंगे, पूरब से पश्चिम चलेंगे, पश्चिम से पूरब चलेंगे, तो वह उसका देशांतरीय विस्तार कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। बिहार के अक्षांशीय विस्तार जो होते हैं 24 डिग्री 20 मिनट 11 सेकंड, यानी कि 24 20 11, याद रखिएगा 24 20 और क्या 11, किधर से चलना होगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ। 24 डिग्री 20 मिनट 11 सेकंड दक्षिण से 27 डिग्री 31 मिनट 15 मिनट उत्तर की तरफ जो है इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार देखेंगे 83 डिग्री 50 सेकंड जो है वो जो है पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे, यानी इधर से इधर की तरफ चलेंगे, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व की तरफ इसका देशांतरीय विस्तार है। ये कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि यहां से यहां तक कुल इसकी लंबाई जो होगी 345 किलोमीटर होगा, इधर से इधर टोटल उसका चौड़ाई जो होगा 483 किलोमीटर होगा, इसकी बिंदु के बारे में जानना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समुद्र तल से जो है वह बिहार की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 173 फीट जो है समुद्र तल से बिहार की मतलब ऊंचाई है। इसको अगर बदल लिया जाए कि मीटर में तो वह लगभग 53 मीटर होता है, याद रखिएगा। अब कहता है प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन का मतलब हुआ है कि बिहार में मौसम के हिसाब से इसको प्राकृतिक विभाजन कैसे करेंगे, तो बिहार जो दिखाई दे रहा है आपको टोटल, ये बिहार को
मतलब प्राकृतिक विभाजन तीन रूप से करेंगे। पहला नंबर क्या होगा, ये वाले क्षेत्र जो है ना नेपाल की सीमा से लगती है, याद रखिएगा ये नेपाल की सीमा से लगती है, जिसको शिवालिक श्रेणी की तराई क्षेत्र कहते हैं। तो याद रखिएगा भौगोलिक स्थिति में अगर देखें प्राकृतिक रूप से, तो ये शिवालिक क्षेत्र वाली तराई क्षेत्र होती है बिहार की, जो ये वाला स्थान पड़ते हैं। और बिहार में बक्सर के चौसा से जो है वह गंगा नदी हमारे बिहार में प्रवेश करती है और बिहार को दो लगभग लगभग बराबर भागों में बांटती है, ये उत्तर का भाग और ये दक्षिण का भाग। ये उत्तरी गंगा का मैदान कहलाता है और ये दक्षिणी गंगा का मैदान कहलाता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बिहार को प्राकृतिक रूप से तीन रूपों में विभाजित किया गया है। एक नंबर क्या होगा, शिवालिक श्रेणी की तराई क्षेत्र, दूसरा नंबर उत्तरी गंगा का मैदान और उसके बाद, या उत्तरी गंगा का मैदान और उसके बाद क्या, दक्षिणी गंगा का मैदान। इस प्रकार से तीन रूप में बांटा गया है। जलवायु कैसी होगी, तो याद रखिएगा ये वाली जो क्षेत्र यहां पर बंगाल की खाड़ी वगैरह है, यहां से जब हवाएं उठती हैं तो यहां पर सामने वाली पहाड़ियों से टकराती है, टकराने की वजह से मौसमी व्यार आते हैं या मौसमी हवाएं आती हैं और इसमें झमाझम बारिश होती है, जबरदस्त बारिश होती है इस वाले क्षेत्र में। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा उत्तरी बिहार की जो वाला क्षेत्र है वो समशीतोष्ण होता है, समशीतोष्ण यार अर्थात एकदम थोड़ा सा ठंडे वाला प्रदेश होता है। इस पर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं होती है इसमें झमाझम बड़ी बारिश कराती है, तो ये समशीतोष्ण वाली क्षेत्र हो जाती है। इधर वाला दक्षिणी भाग में जो है ना बड़ा ही गर्मी पड़ता है। तो इस प्रकार से समझ लीजिएगा जलवायु जो होगा उत्तरी बिहार में समशीतोष्ण होगा, दक्षिणी बिहार में अधिक गर्मी पड़ती है। अगर बात करें कि उत्तरी जो दक्षिणी बिहार है इधर ज्यादा ज्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, इधर वाले क्या होते हैं समशीतोष्ण प्रकार की माहौल बने रहते हैं। सर्वाधिक जो गर्म क्षेत्र है बिहार का वो गया है, याद रखिएगा 40 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका तापमान हो जाता है। सर्वाधिक गर्म जो जिला है उसका नाम क्या है, गया है, याद रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा जो होती है इधर की क्षेत्रों में होती है, जिधर किशनगंज वगैरह है तो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, अब याद रखिएगा यहां पर। और औसत वर्षा जो बिहार में होती है 987.2 mm होती है, मिलीमीटर, याद रखेंगे यहां पर आंकड़े देखेंगे क्या कहता है कि सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है, औसत वर्षा 987.2 mm होती है। आगे बिहार में वन क्षेत्र जो है वो 7305.9 km² पर है। बिहार में वन क्षेत्र का लगभग प्रतिशत जो है वो 7.76% है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार में वन क्षेत्र जो है वह कितना प्रतिशत क्षेत्र पर है, 7.76% पर। सर्वाधिक वन वाला जिला कौन है, याद रखिएगा सर्वाधिक वन वाला जिला जो है वह कैमूर है, याद रखिए सर्वाधिक वन वाला जिला क्या है, कैमूर है। और एक ऐसा भी जिला है बिहार में जहां पर वन ही नहीं है, 0% वन है। अब आप ये मत सोचिएगा कि फिर वहां पर लोग जीते कैसे होंगे, नहीं, वन नहीं है, झाड़ियां हो सकती है, वन नहीं है, याद रखिएगा। उसका स्थान का नाम है जहानाबाद, जहानाबाद में वन नहीं है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार के उस जिला का नाम बताइए या बिहार के उस जगह का नाम बताइए जहां पर वर्षा नहीं, सॉरी वन है ही नहीं, वन विहीन। तो वन विहीन कौन है, जहानाबाद वाली क्षेत्र जो है वन विहीन है। कैमूर में सबसे ज्यादा वन है, 31.70% यहां पर वन उपस्थित है। न्यूनतम वन वाला जो आपको बताया क्या बताया भी जहानाबाद में, प्रमुख नदियां कौन है, गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, ये सारी जो नदियां हैं वह बिहार की प्रमुख नदियां हैं। जब हम नदी के बारे में पढ़ाएंगे तो आप उसको उस समय हम बताने की कोशिश करेंगे। गंगा का प्रवेश कहां से होता है, अभी तुरंत बताया, गंगा का प्रवेश जो है बक्सर के चौसा से हमारे बिहार में वो प्रवेश करती है। बक्सर के चौसा नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है कौन, गंगा। तो इधर की बिंदुए सबको हमने कंप्लीट कर लिया है, अब आगे देख लेंगे प्रमुख खाद्यान्न क्या है। तो बिहार की सबसे प्रमुख खाद्यान्न जो होती है वह चावल है, दूसरे नंबर पर कौन आती है, गेहूं आता है, तीसरे नंबर पर मक्का आता है। तो प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है, चावल। अब उसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि प्रमुख नगदी फसल बिहार की कौन सी है। तो बिहार की प्रमुख नगदी फसल गन्ना है, तंबाकू है, पटसन है। अगर एक ही दिया रहे तो याद रखिएगा हमेशा पहले नंबर पर आने वाली कौन सी होगी, गन्ना होगा। औद्योगिक शहर यानी कि सबसे ज्यादा औद्योगिक शहर के रूप में जाने जाने वाला पटना मत समझ लीजिएगा, पटना औद्योगिक शहर बिहार का नहीं है, बेगूसराय जो है मतलब बिहार का सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र वाला या औद्योगिक शहर जो है वो बेगूसराय को कहा जाता है बिहार का, पटना मत मानिएगा। प्रमुख खनिज कौन से, सोना, याद रखिएगा ये आपको सबको पता ही होना चाहिए कि करमटिया एक स्थान है जहां पर से सोना की खदान है हमारे बिहार में। टीन जो है गया में पाया जाता है, लिथियम जो है वो भी गया में पाया जाता है। चीनी मिल बिहार में कुल कितने हैं, तो चीनी मिल
टोटल मिलाकर अभी 28 है, लेकिन अभी कार्य कितने कर रही हैं? मात्र 11 काम कर रही हैं और सभी बंद पड़ी हुई हैं, ठप पड़ी हुई हैं। प्रमुख जनजाति बिहार की कौन सी है? संथाल है। संथाल याद रखिए बिहार की सबसे प्रमुख जनजाति का नाम है। दूसरे नंबर पर उरांव आती है, अगले नंबर पर मुंडा वगैरह आते हैं। ये बिहार से संबंधित बातें आप लोग के सामने रख रहा हूं। ऊंचा शिखर, बिहार का सबसे बड़ा ऊंचा शिखर का नाम है सोमेश्वर की पठारी या सोमेश्वर श्रेणी या सोमेश्वर की जो पहाड़ियां हैं उसको बिहार की सबसे ऊंची जो है शिखर कहा जाता है या ऊंची शिखर भी कहा जाएगा। 875 मीटर जो है ऊंची ऊंचाई है इसकी, याद रखिए 875 मीटर ऊंचा है, ऊंचा शिखर सोमेश्वर है। सबसे लंबा जो NH है नेशनल हाईवे वे 27EWB है, याद रखिए EB 27EB है जो लगभग 487 किलोमीटर, याद रखेंगे सबसे लंबा सड़क जो है राजमार्ग के रूप में बिहार में NH 27EB होती है, 487 किलोमीटर है। सबसे छोटा पूछा जाए तो 727A जो बिहार में 4.4 किलोमीटर ही जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है बिहार के 68.80 लाख हेक्टेयर, याद रखिए बिहार के संपूर्ण जो क्षेत्र है उसके 68.80 लाख हेक्टेयर जो है वो बाढ़ से प्रभावित रहती है। ये बिंदु अलग थी। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, भारत जो टोटल का मान होता है उसमें से कुल कितना क्षेत्रफल बिहार लेता है, यानी कुल कितना क्षेत्रफल लेकर के बिहार का निर्माण होता है, उसका नाम है 2.86% इसका मान है। सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला बिहार का पश्चिमी चंपारण है, और सबसे छोटा जिला की बात किया जाए तो उसका नाम शिवहर है। याद रखिएगा सबसे बड़ा जिला जो पश्चिमी चंपारण है उसकी टोटल पूछा जा सकता है कि बताइए क्षेत्रफल कितनी है, 5228 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखेंगे 5228 किलोमीटर स्क्वायर जो है पश्चिमी चंपारण की क्या है कुल क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा जिला बिहार का है। सबसे छोटा जिला शिवहर है जो मात्र 349 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो ये बिंदु आपके सामने है, फिर से देख लेते हैं। प्रमुख खाद्यान्न चावल है, प्रमुख नगदी फसल गन्ना है, औद्योगिक शहर बेगूसराय है, प्रमुख खनिज के रूप में सोना टीन और लिथियम माना जाता है, सोना जो होती है वह करमटिया जगह है जहां से निकाली जाती है। चीनी मिल 28 है, बिहार में 11 कार्य कर रहे हैं। प्रमुख जनजातियां संथाल है, आगे है उरांव मुंडा भी है। ऊंचा शिखर अभी बताया सोमेश्वर की पहाड़ी है और वह जो लगभग 875 मीटर ऊंचा है। सबसे लंबा जो सड़क है राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो है वह 27EB है जो लगभग 487 किलोमीटर बिहार में गमन करती है। सबसे छोटा जो है 727A है, 4.4 किलोमीटर बिहार में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है 68.80 लाख हेक्टेयर है, भारत के कुल क्षेत्र पर 2.86 लेकर के बिहार का निर्माण किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कितने नंबर पर आता है? तो राज्यों में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कितने नंबर पर आता है? 12वें नंबर पर, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो बिहार आ जाता है 13वें नंबर पर। सबसे बड़ा जिला आपको बताया पश्चिमी चंपारण है, सबसे छोटा जिला शिवहर है। आइए देख लेते हैं प्रमुख पहचान एवं चिन्ह, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजकीय चिन्ह बिहार की क्या है? बोधि वृक्ष है जिसको पीपल भी लोग कहते हैं। पशु कौन सा है? बैल है बिहार का। पक्षी कौन से बिहार का राजकीय पक्षी कौन सी है? गौरैया। ये सब आसान प्रश्न आप जानते भी होंगे। राजकीय पुष्प कौन सी है? गेंदा है। राजकीय मछली कौन सी है? मांगुर, वो भी देसी मांगुर, याद रखिए मांगुर कोई भी नहीं, ऑप्शन अगर मांगुर दे रहे तो देसी मांगुर दिया रहे तो याद रखिएगा हमेशा लिखिएगा देसी मांगुर है। राज्य की प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक के बीच में, देख लीजिएगा स्वास्तिक के जो चिन्ह होता है इसके बीच में बोधि वृक्ष लगा देंगे, इस प्रकार से राज्य का जो है प्रतीक चिन्ह बन जाता है। ये आपके पास प्रमुख पहचान एवं चिन्ह बिहार से संबंधित था। अगला बिंदु है राज्य व्यवस्था, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझिएगा, राज्य व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। विधायिका, विधायिका जो है बिहार में है वो 2 सदनीय है, यानी यहां पर विधानसभा भी है और उसके बाद विधान परिषद भी है, तो देख लेंगे। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है, आपको पता होना चाहिए, ये जानते भी होंगे, नहीं अगर दिखाई दे रहा है बोर्ड पर तो हमारी आवाज को सुनिए। विधानसभा में SC और ST के आंकड़े कितने हैं? तो SC और ST के आंकड़े बहुत मायने रखते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। SC जहां पर 38 सीटों पर रिजर्वेशन प्राप्त करता है वहीं पर ST को 2 सीटें रिजर्वेशन के रूप में मिलती है, तो याद रखेंगे विधानसभा में SC और ST की जो आरक्षण है वह 38/2 का आंकड़ा है। आगे देखेंगे विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 75 है, बिहार में विधान परिषद भी है, यानी कि यहां पर 2 सदन है, उच्च सदन है और निम्न सदन है। निम्न सदन कौन सी? विधानसभा। उच्च सदन कौन सी? विधान परिषद है। 75 सीटें विधान परिषद में आती हैं। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40 है, आप सभी जानते
जानते होंगे लोकसभा सीटें जो है बिहार में 40 है, इसमें भी आरक्षण प्राप्त है। देख लेंगे यहीं पर लिखा होगा लोकसभा में अनुसूचित जाति को 6 सीटें जो होती हैं वो रिजर्व में प्राप्त होती है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राज्यसभा सीटें बिहार से कितनी जाती है, 16 सीटें जाती है राज्यसभा के रूप में। आगे बताते हैं आपको कुल जिला कितने है बिहार में, वो 38 जिला है, लेकिन ये मायने नहीं रखता। सबसे अंतिम जिला 38वां नंबर जिला कौन था ये बड़ा मायने रखता है, याद रखिए उसका नाम है अरवल। अरवल जो है 38वां नंबर जिला है बिहार का। प्रमंडल की संख्या है बिहार में कुल कितनी है, आप 9 जानते हो, सारण, तिरहुत, भागलपुर, दरभंगा, इस प्रकार से पटना, ये सभी मिला करके 9 प्रमंडल होते हैं। जैसे कि कई प्रमंडलों में कितने प्रकार के, 9 प्रमंडलों में 3800 जिलों को बांट दिया गया है। अनुमंडल बिहार में कुल कितने, 101 अनुमंडल है। प्रखंड की संख्या 534 है। ग्राम पंचायत 8386 है, याद रखिएगा। जिला परिषद बिहार में कुल मिलाकर 38 है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नगर पंचायत 86 है, नगर परिषद की संख्या 49, नगर निगम की संख्या है 12 है। इतने आंकड़े ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, एससी एसटी को देख लीजिएगा, अनुमंडल देख लीजिएगा, प्रमंडल देख लीजिएगा, थोड़ा प्रखंड को देख लीजिएगा, 38 जिला परिषद हमेशा याद रहेगा। नगर निगम, नगर पंचायत और नगर, इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव फिलहाल में हुई है, कुछ जो है नगर पंचायत, ये सॉरी पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को फिलहाल में नगर पंचायत में बदल दिया गया है, तो वो आंकड़े करंट अफेयर्स में हम तब्दील करेंगे, वहां से बताएंगे। शहर की संख्या बिहार में कुल कितने हैं, तो उसकी संख्या 199, याद रखिएगा शहर की संख्या 199 है। और एक पॉइंट छूट गया है, बिहार में कोई महानगर है क्या, तो याद रखिए बिहार में एकमात्र महानगर है उसका नाम पटना है, याद रखिए मैं यहां पर नहीं लिख पाया हूं। शहर की संख्या 199 है। अब देखिएगा पुलिस स्टेशन बिहार में कितने हैं, तो बिहार में कुल पुलिस स्टेशन की संख्या जो है हमारे पास वो उनकी संख्या है 853, याद रखिए 853 जो है पुलिस स्टेशन है। और याद रखिएगा इस पुलिस स्टेशन में रेलवे पुलिस भी आती है, इस प्रकार से आप समझेंगे। उच्च न्यायालय, बिहार का उच्च न्यायालय कहां है, तो पटना में, आप सभी जानते हो। लेकिन यह पूछा जाता है कि बिहार के जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई, 1916 में, याद रखिएगा दैट इज द टाइम 1916 जब उच्च न्यायालय पटना की स्थापना किया जाता है। भाषा से बात किया जाए, बिहार की भाषाएं जो है कई प्रकार की भाषाएं हैं, लेकिन बिहार की जो राज्य व्यवस्था की भाषाएं हैं उसमें प्रथम भाषा जो है वह हिंदी को मानी गई है, द्वितीय राजकीय भाषा जो हमारे बिहार की है वो उर्दू है। लेकिन अगर पूछेगा कि बिहार के कुल कितने भाषाओं को हमारे संविधान के अनुसूची में शामिल किया गया है, याद रखेंगे कुल कितने भाषाओं को हमारे संविधान शामिल किया गया बिहार से, तो याद रखिएगा वो 3 भाषाएं हैं, उसमें से पहला नंबर आपका हिंदी है, दूसरा नंबर उर्दू है, और तीसरे नंबर मैथिली। मैथिली, हिंदी और उर्दू, बिहार की ये 3 भाषाएं हैं जो कि हमारे संविधान में वर्णित हैं और उसको जगह दिया गया है। तो उच्च न्यायालय 1916 में स्थापित किया जाता है, पटना उच्च न्यायालय से संबंधित बिंदु थी। सांख्यिकी के आंकड़े, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसको ध्यान से देखिएगा, सांख्यिकी के आंकड़े हैं, सुनिएगा। अगर दिखाई नहीं देता होगा, दिखाई तो देगा, कोई बात नहीं है, एसडी में हम डालने की कोशिश करेंगे इस वीडियो को, लेकिन समझिएगा। सबसे बड़ी चीज है कि बिहार की जनसंख्या आपको याद रखना होगा, तो याद रखिएगा, कभी कभी दिमाग में आदमी का आता है कि अरे भाई बहुत पहले का ये आंकड़ा है, अब तो कुछ जनसंख्या बढ़ ही गई होगी ना, थोड़ा सा कुछ बढ़ा करके हम लोग क्लिक कर देते हैं, ऐसा भूल करके मत कीजिएगा। जब तक कि अगला सेंसस न हो जाए, अगला जनगणना न हो जाए, मान्य 2011 की जनगणना की होगी, और जब तक 2021 वाला 22 वाला जनगणना नहीं हो जाता है तब तक आपको इसी को मानना होगा। तो देख लीजिएगा अभी फिलहाल आंकड़े अगर आएंगे तो समझेंगे, सांख्यिकी के आंकड़े, कुल जनसंख्या जो है बिहार की 10,40,99,452, 10,40,99,452, याद रखेंगे 10,40,99,452, इस तरह से करके आप बिहार की जनसंख्या याद कर सकते हैं। इन जनसंख्याओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होगा पुरुष जनसंख्या, दूसरी होगी महिला जनसंख्या। पुरुष और महिला जनसंख्या में याद रखिएगा, ये अंतिम आंकड़े अगर आप याद रखते हैं ना, 295 और उसके पहले 21, याद रखिएगा 200, यहां पर 295 और पुरुष वाले में 157, महिला वाले में 295 और पुरुष वाले में क्या 157, याद रखिएगा। इधर सोचिएगा 4 है, इधर क्या है 5 है, तो बस इधर 4 देखना है, इधर 5 देखना है, पुरुष वाले में 5 और महिला वाले में क्या 4 देखना है। उतने जबरदस्त आंकड़े नहीं कि आपको एक एक नंबर से इधर उधर करेगा, हालांकि जो बीपीएससी के एग्जामिनेशन होते हैं माइनस लेकर के आपको छांट देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन पीटी में क्वेश्चन से आते हैं तो उतने ज्यादा टॉप क्वेश्चन नहीं होंगे। तो
4981295 जिसमें आएगा ये महिलाओं की 4,98,21,295 महिला जनसंख्या है बिहार में, और 5,42,78,157 जो है वह पुरुष की जनसंख्या है बिहार में। आगे बढ़ते चलते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, तो बिहार के पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या बसा करती है। और याद रखिए, दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण आता है, अगले नंबर पर मुजफ्फरपुर आता है। तो ध्यान रखिएगा, पटना के बाद पूर्वी चंपारण और पूर्वी चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर। एक बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछ दिया था कि बताइए ऊपर से दूसरा कौन था, फिर पूछ दिया कि नीचे से द्वितीय, अंतिम से तृतीय कौन था। इसलिए कम से कम तीन आंकड़े आपको हमेशा याद रखने की आवश्यकता होती है। चलते दशकीय जनसंख्या वृद्धि, यानी 10 सालों में बिहार में कुल जनसंख्या कितनी वृद्धि हो रही है, 25.4%। ये क्वेश्चन जो है 65वीं या 66वीं में ही था। दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है 25.4% बिहार की है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, वह है मधेपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला का नाम है मधेपुरा, और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला का नाम क्या है, गोपालगंज। तो सर्वाधिक करने वाले 31.12% और न्यूनतम करने वाले 19.2% गोपालगंज। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर लेने वाला जो 10 सालों में देखा जाए गोपालगंज, और सबसे अधिक करने वाला मधेपुरा है। आगे देख लेंगे साक्षरता दर, बिहार की साक्षरता दर कितनी है, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, खूब पूछता है ये प्रश्न बिहार एसआई में, यानी बिहार दरोगा वाले एग्जाम्स में। साक्षरता दर बिहार की 61.8%, याद रखेंगे 61.8% साक्षरता दर है बिहार की। पुरुष साक्षरता बिहार में थोड़ा ज्यादा है महिलाओं की तुलना में, 71.2%, 71.2% जो है वह पुरुष साक्षरता दर है बिहार में। और महिला साक्षरता दर की अगर बात की जाए, 51.5% जो है महिलाएं यहां पर साक्षर है। महिलाओं की कंडीशन ठीक नहीं है बिहार में, शिक्षा के मामले में देखा जाए तो अभी भी महिलाएं पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, रोहतास, याद रखिएगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं पटना में खूब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो पटना के बच्चे नहीं होते हैं, वो अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए होते हैं, समझ रहे हैं ना, और जबरदस्त पढ़ाई करके और जाकर के बड़े बड़े आईएएस आईपीएस वगैरह और बड़े बड़े वीडियो सीओ बन जाते हैं। लेकिन पटना में कमी किस चीज की है, पटना में तो जबरदस्त क्या है, रूम भाड़े लिए जाते हैं, मतलब रूम भाड़े से ही इतने पैसे देते हैं कि पढ़ने की जरूरत क्या है। जब तक पटना वाले कोई अगर बुरा ना मानेंगे, जो है वही सच्चाई बता रहा हूँ। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, रोहतास है, 73.37% वहां पर लोग साक्षर है। न्यूनतम साक्षर जिला वह है पूर्णिया, याद रखिएगा, मात्र 51.8% लोग जो है वहां पर पढ़े लिखे हैं। लगभग 49-48% लोग को अभी भी शिक्षा से किसी भी प्रकार का पाला नहीं पड़ा है, ये हालात बनी है पूर्णिया की। जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का पूरे हिंदुस्तान में 2800 राज्यों में अगर बात किया जाए, केंद्र शासित को छोड़ दीजिए वरना दिल्ली सबसे आगे निकल जाएगा, वह सबसे अधिक किसका है, बिहार का। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बसा करते हैं, ये बिहार की जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात बिहार की थोड़ी सी ठीक है, हालांकि आगे पीछे भी हो रहा है, 19 से घट करके 18 पर आया हुआ है। लिंगानुपात 918, यानी कि 1000 पुरुषों पर मात्र महिलाएं यहां पर 918 है, इसको लिंगानुपात कहेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, गोपालगंज। देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा आंकड़ा मैं बता दूंगा, मैंने बुकों में पढ़ने की कोशिश किया तो इसमें 1028 दिया गया है लिंगानुपात सर्वाधिक गोपालगंज का, लेकिन विकिपीडिया से निकाल करके देखा तो 1021 ही दिया गया था। लेकिन मैंने किताब से, तीन चार किताबों का हमने अध्ययन करने की कोशिश किया तो इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, आप जिसको यकीन फैक्ट माने वही आप कर सकते हैं। 1028 है और ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, 1028 विकिपीडिया में 1021 लिखा गया है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वह मुंगेर है, देख लीजिए 876 यहां पर लोग ही हैं, यहां पर महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पर मात्र 876, बहुत सारे लोग यहां पर कुंवारे रह जाने वाले हैं, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिला कहां पर है, शिवहर, जबरदस्त आंकड़ा है ये। शिवहर जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, यहां पर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बसा करते हैं, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। लेकिन सबसे न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, कैमूर है, मात्र 488 लोग बसा करते हैं कैमूर, सबसे कम 488। सर्वाधिक जो है वह शिवहर में है 1880 में।
नगरीकृत जनसंख्या जो है वो प्रतिशत मान कितने हैं, ये आंकड़े बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। वो उनकी संख्या होंगी 11.3%। जब 100% में से 11.3% निकाल दिया, 88.7% जो है गाँव में जनसंख्या बसती है, तो 88.7% लोग बिहार के गाँव में निवास करते हैं, 11.3% लोग जो है शहर में निवास करते हैं। याद रखिएगा, नगरीकृत जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या हो गई। जीवन प्रत्याशा यानी कि यहां पर औसतन लोग कितने वर्षों तक अधिकतम जीते हैं, 68.9 वर्ष, यानी कुल मिलाकर कहिएगा 68 वर्ष और 9 महीने, कुल मिलाकर के 69 वर्ष लगभग लोग यहां पर जीते हैं। बिहार की जीवन प्रत्याशा है। महापर्व बिहार की कौन सी है? छठ है, आप सभी जानते हो। अब प्रमुख धर्म जो है बिहार की, उसमें से हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और सिख धर्म सबसे अधिक जो है, वह प्रमुख धर्मों में सबसे अधिक जनसंख्या हिंदू धर्म की है, 82.69% आंकड़े कहती है सेंसस 2011 की। तो दोस्तों ये बिंदुएं थी, पहला वीडियो था और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चनों को हमने इसमें ये समझाने की कोशिश किया। एक बार रिपीटेशन कर लेंगे, देख लीजिएगा। प्रदेश का नाम बिहार, वैदिक नाम किकट कहा गया, मौर्य और गुप्त काल में मगध नाम रपरा, प्रदेश का नाम 12वीं सदी में रखी गई और उसके बाद बौद्ध बिहारों की उपस्थिति के कारण से इसका बिहार नाम पड़ा। स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ, स्थापना दिवस 22 मार्च को, और प्रथम विभाजन 1 अप्रैल 1936 को किया गया और वो बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। द्वितीय विभाजन 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। राजधानी जो है पटना है, इसको स्थापित किया शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में स्थापित किया। प्राचीन नाम पटना का पाटलिपुत्र है, इसको स्थापित करने का जो श्रेय है वो हरियक वंश का एक शासक जो है उदयन को जाता है, लगभग 461 ईस्वी पूर्व में इसने स्थापित किया था। भौगोलिक स्थिति देख लीजिएगा, अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 11 सेकंड से लेकर के 27-31 15 डिग्री तक। उसी तरह देशांतरीय विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर, समुद्र और दक्षिण से जो आपके पास पूर्व से पश्चिम की 483 किलोमीटर, समुद्र तल से 173 फीट अगर मीटर में बदलेंगे तो लगभग 53 मीटर होती है। प्राकृतिक विभाजन बिहार को 3 भागों में बांटती है, तराई वाला क्षेत्र, शिवालिक वाला, गंगा की उत्तरी मैदान और गंगा की दक्षिणी मैदान, ये सभी समझते हैं। जलवायु जो है बिहार की वो 2 प्रकार की पाई जाएंगी, यहाँ से उठने वाली लहरें जो है मानसूनी हवा को ले जाकर के पहाड़ों से टकरा कर उत्तर भारत में काफ़ी वर्षा कराती है, इसलिए उत्तरी भारत जो बिहार जो है वो समशीतोष्ण होता है। दक्षिणी बिहार में अधिक गर्मी पड़ती है, गया सबसे ज़्यादा गर्म जिला है और उसमें वहाँ पर 40 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहती है और औसतन वर्षा 987.2 mm होती है बिहार में। और अगर बात की जाए बिहार में वन क्षेत्र की तो 73.05.9 km² है, 7.76% जो होती है बिहार में वन क्षेत्र की प्रतिशत है। और उसके बाद सर्वाधिक वन वाला जिला कैमूर है और जहां पर वन ही नहीं है वो जहानाबाद है। न्यूनतम वन वाला प्रमुख नदियां जो है गंगा और उसके बाद बागमती, सोन, कोसी, गंडक, ये सारी बिहार की प्रमुख नदियां हैं। गंगा का प्रवेश जो है बक्सर जिला में चौसा से होता है, इसको बताइए कि आपको। खाद्यान्न प्रमुख खाद्यान्न चावल है, दूसरे नंबर गेहूं आता है, प्रमुख नगदी फसल में गन्ना आता है। भौगोलिक औद्योगिक शहर बिहार का बेगूसराय है। प्रमुख खनिज जो है सोना, टीन, चीनी मिल, टीन और लिथियम है। चीनी मिल 28 है, 11 काम कर रहे हैं। प्रमुख जनजातियां संथाल है, उसके बाद मुंडा है, उराव है। ऊंची सबसे शिखर जो है सोमेश्वर की पहाड़ी, लगभग 875 मीटर जो है ऊंचा है। सबसे लंबा NH-27EB है, आगे देखेंगे। छोटा सबसे 727A है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है बिहार में 68.80, भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.86% है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए पश्चिमी चंपारण, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार कितने नंबर पर आता है राज्यों में, कितना नंबर पर, 12वें, केंद्र शासितों को शामिल कर लिया 13वें स्थान पर। सबसे छोटा जिला शिवहर है। प्रमुख के पहचान राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है, पशु जो है बैल है, पक्षी गौरैया है, फूल गेंदा है, और उसके बाद मछली जो है देसी मांगूर है। राज्य का प्रतीक चिन्ह स्वास्थ्य के अंदर बोधि वृक्ष लगा दीजिए। राज्य व्यवस्था विधायिका यहाँ पर 2 प्रकार की, द्विसदनीय है, एक विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद है। विधानसभा सीटों की संख्या 243, इसमें ST SC की आंकड़े जो है SC ST की 38 और 2 पर है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, उसके बाद लोकसभा में कुल मिलाकर के 40 सीटें बिहार के लिए हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति की संख्या जो आंकड़े है वो 6 है। राज्यसभा सीटें 16 है। कुल जिला बिहार में 38 है इंपॉर्टेंट, अरवल 38वां जिला है।
परमंडल की संख्या 9 है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534, ग्राम पंचायत 8386, जिला परिषद 38 है, नगर पंचायत 86 है, नगर परिषद 49 है, नगर निगम 12, इंपॉर्टेंट शहर की संख्या 199, महानगर बिहार में 1 पटना है, पुलिस स्टेशन 853 है, उच्च न्यायालय जो है पटना स्थापित हुआ 1916 ईस्वी में, कुल जनसंख्या 10,40,99,452 व्यक्ति हैं, महिलाएं, मैंने बताया कि अंत में शुरू में 4 देखना है, अंत में 295 देखना है, इसमें 5 देखना है और अंत में 157 देखना है। सर्वाधिक जनसंख्या पटना में है, उसके बाद पूर्वी चंपारण में। दशकीय जनसंख्या 25.4% बिहार की है। सर्वाधिक जिला जो जनसंख्या वाला जिला जो है बढ़ाने वाला दशकीय जनसंख्या वाला वो मधेपुरा है, न्यूनतम वाला गोपालगंज है। साक्षरता दर जो है 61.8% बिहार की है, उसके बाद पुरुष साक्षरता जो है 71.2%, महिला साक्षरता 51.5% है। सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है, जहाँ पर 73.3% लोग साक्षर है। न्यूनतम साक्षर जो जिला है वो पूर्णिया है, 51.8% लोग ही मात्र यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। जनसंख्या घनत्व बिहार का पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर। लिंगानुपात 918 है, उसको सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज है, कहीं कहीं 1028 मिलते हैं, 1021, मुझे 1028 पर कॉन्फिडेंट है यही है। न्यूनतम जनसंख्या जो है आपका लिंगानुपात वो है मुंगेर जो कि 876 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है शिवहर है, 1880 आदमी बसते हैं वहाँ। न्यूनतम जनसंख्या जिला जो है कैमूर है, मात्र 488 आदमी। नगरीकृत जनसंख्या 11.3% नगर में लोग बसते हैं, बाकी 88.7% गाँव में बसा करते हैं। नगरीकृत जनसंख्या जीवन प्रत्याशा जो बिहार की है वो 68.9 अर्थात 69 वर्ष करीब करीब। महापर्व छठ है और यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग बसा करते हैं, जिसमें हिंदू धर्म सबसे अधिक 82.69%, मुस्लिम धर्म लगभग 16.8% आंकड़े के साथ उपस्थित है। तो इस वीडियो में मैंने एक एक करके आपको समझाने की कोशिश किया है, 1 से 2 बार यदि इसको पॉज करके देख लेंगे सभी आंकड़े इसमें उपलब्ध है, जिससे कि आपके कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस जो बिहार के सामान्य परिचय से है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।